मैं ब्लॉग कल हरिद्वार का ट्रिप करने के बाद आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। छोटू भैया भी हम लोग के साथ जाने वाला है और आप देख रहे हो कितनी प्यारी हवा चल रही है बाहर, तो चलते हैं ऋषिकेश। आज भी ऋषिकेश को एक्सप्लोर करेंगे, कल हरिद्वार किया। हो गया पूरा का पूरा ट्रॉली नीचे चला गया है। और ये सामने आपको कावा ले जाते हुए लोग दिख रहे होंगे क्योंकि शिवरात्रि का वक्त है अभी इसलिए। और ये सामने आपको मनसा देवी का मंदिर मिल जाता है, यहाँ पर आप जाने के बाद आपकी मन्नतें पूरा होगी और एक बार मन्नतें पूरा हो जाए तो आपको धागा जाकर खोलना पड़ता है। और यहाँ पर देख लो आप गंगा जी है साक्षात नीचे उतरती हैं, मतलब इससे पहले वो पहाड़ों पर होती है पर इस जगह हरिद्वार में ही आकर वो ज़मीन पर आकर मिलती है। और सामने देख सकते हो नीलकंठ महाराज की बहुत सी बड़ी प्रतिमा है, यहाँ पर साक्षात शिव जी अपना त्रिशूल लिए हुए खड़े हैं और सामने नीलकंठ महाराज का अति पहाड़ है जो पर आप जा सकते हो उनके दर्शन के लिए। अभी हम रुके हुए हरिद्वार में ही कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि हम लोग सुबह चले थे तो खाना नहीं खाए थे इसलिए खाने के लिए रुके हैं। और अभी यहाँ पर हरिद्वार में रुकने के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर आप 200 से लेकर 2000 तक के रूम मिल सकते हैं, तो हम लोग खाना खाते फिर निकलते हैं। और ये सामने देख सकते हो आप टाइगर रिजर्व है जो कि राजा जी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अकेला ना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि आए दिन टाइगर कहीं ना कहीं से घूमते घामते चले आ जाते हैं रोड पर क्योंकि ये उनका एरिया है, तो इसलिए आप लोग जब भी आओ तो सावधान होकर आओ और अकेले तो बिल्कुल भी ना, रात को तो बिल्कुल ना। और ये देख सकते हो यहाँ पर सभी भगवान चित्रण किया गया है, यहाँ पर दीवारों को सजाया गया है। ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पर, लक्ष्मण झूला जा रहे हैं। हम लोग को मेन जगह जो जहाँ जाना था वहाँ लक्ष्मण झूला है। तो हम लोग अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करते हैं क्योंकि हम लोग को जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच चुके हैं। और वो सामने देखो शमशान घाट, शमशान घाट तो आप सभी जानते ही होंगे।
भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला पर। क्या सीन है यहाँ पर, मतलब देख रहे हो कितना प्यारा सीन है यहाँ पर। अरे बहुत अच्छा है लोग कितना प्यारा सीन है और की बोल ले भाई। ये कोई लक्ष्मण झूला नहीं था, ये गंगा जी का पुल था। इन चीज को बता दिया, ये गंगा लक्ष्मण झूला है। कौन बताया यार लक्ष्मण झूला है, ये पुल है। पहला जो आदमी हमारे ऋषि जी वही बताया ये लक्ष्मण। चल 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 देवे करो, लेकिन लक्ष्मण झूला क्या है मतलब दिमाग में। गंगा जी घाट पे पहुंचे हैं और इसके तट पर खड़े हैं। आप देखो इसकी गोलगप्पा खाने के लिए। हाँ हाँ गोलगप्पा खाने के लिए, जैसे अमेरिका पहुँच रखे हैं ये जापान, तो भाई हम भी खाएंगे। हमने खा लिया है, यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ आपको 20 के 6 पीस मिल जाएंगे, पर टेस्ट अच्छा। तो भाई अब आया है राम झूला। तो हम लोग राम झूला के पास पहुँचे हैं। उस समय जो थे वो जानकी पुल था और उसको इन नालायकों ने राम झूला बता दिया। क्यों यहाँ रह रहे हो भाई बेकार का, जब आपको पता ही नहीं है यहाँ के बारे में तो यहाँ के होने का क्या फ़ायदा। अरे यही एक आ रहे तो भाई, वो तुम लोग को तो रास्ता भी नहीं मालूम। तो अब हम लोग फाइनली राम झूला पहुँच चुके हैं और यहाँ से लक्ष्मण झूला ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई हेलमेट अब तो खोल दे ना ना, सुबह इसने हेलमेट पहन कर थूक फेंक दिया सारा, थूक मुंह में पड़ा था। तो वो देख रहे हैं, वो राम झूला है, वहाँ जाना है और वहाँ पर फोटो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहीं से वीडियो ब्लॉग कर रहे हैं और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। चलो जय जय राम जय श्रीराम, आज अंधेरा जाते बैठे ना। जय श्री राम जय श्री राम। हम राम झूला पर पहुंच चुके हैं और ये हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है, मतलब झुलकिल रहा है, इसलिए तो ये फेमस है इतना। और पीछे का देखो आप, चीज तो भाई हम राम झूला से होकर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला के लिए। तो अभी हम फिलहाल रुके फोटो शूट के लिए, क्योंकि इन लोगों को फोटो शूट करवाना है। शकल तो आएंगी भी, तो भाई अभी हम जिस लोकेशन पर हैं वहाँ से देख लो, ये रामपुल है, रामपुल से कुछ ही दूर पर है और उस साइड देख लो रैफ्टिंग की सुविधा है। तो आप आना चाहते हो तो आप रैफ्टिंग भी आकर कर सकते हो। ओ भैया इतना क्यों टेंशन ले रहा है भाई, पानी ही तो है। हाँ जींस गिल्ला होता है, हटे ना तू, पागला चीता है। जुगाड़ तो वहाँ आ जा, आइए दल के गिल्ला कर। बैठ जा। हाँ वो पावर वाला चश्मा है। तो हम लोग अभी फोटो शूट कराने आए हैं, फोटो शूट हम लोग का हो रहा है और हमने अभी उधार पे चश्मा मांग के फोटो शूट करवाया। भाई कैसा लग रहा है, और उस साइड देख लो आप रैफ्टिंग हो रही है। तो भाई अगर आप ऋषिकेश आकर रैफ्टिंग का मजा लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हैं। जाने का इरादा है भाई, मेरा तो कोई इरादा नहीं है, चलेंगे। मेरा इरादा है इस तरफ से उस तरफ जाने का, अभी चलेंगे, चलते हैं प्रोग्राम बनाते। तू चलते हैं फिर, यहाँ से तो छलांग लगा नहीं सकता, बातें कर रहा अमेरिका की, वहाँ जाने की। भाई तैर के नहीं जाना, मुझे बोट मंगवा दे तो चले जाएंगे।
भाई अब बताने से कुछ नहीं होगा, अब वो भाई हम चलते चलते थक गए और अभी भी लक्ष्मण झूला यहाँ से बोल रहे हैं अंकल की 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे होगा ये सफ़र पूरा, इतना जल्दी हम लोग थक गए यार। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, सॉरी हम अब लक्ष्मण झूला पर पहुंच गए और पीछे देखो कितनी बड़ी मंदिर है। तो क्या पता ये आश्रम है या फिर मंदिर है, मालूम नहीं मुझे। पर नीचे राफ्टिंग और बोटिंग हो रहा है। तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही भाई? 15 में 150 रुपये में करेंगे ना सीधी। स्विमिंग कर रहे थे वो भैया, ये तो आइसक्रीम उस्क्रीम कहीं मोबाइल वाले उठा के ले जाए, कहीं मोबाइल ना ले चला जाए, कुछ ना हुआ। तो अभी हम लक्ष्मण पुल से होकर आ गए हैं और अब जा रहे हैं जानकी पुल के पास, क्योंकि हम लोगों की बाइक वहीं खड़ी है तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा। अबे भाई हम तो थक गए इस 60 सीढ़ी बोला चढ़ने के लिए। ये 60 सीढ़ी 1 सीढ़ी 4 सीढ़ी के बराबर था। तो अभी भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है हम लोगों को कवर करना। हम लोग फिलहाल बहुत ज़्यादा थक गए बट कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ अभी ऑटो भी नहीं मिल रहा है, तो फिर चलते हैं। तो फिर चलो यहीं पर अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।